नीमच शहर की केंट थाना परिसर में आज होटल संचालकों की एक आवश्यक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में 31st के आयोजन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। CSP फूल सिंह परस्ते द्वारा बताया गया है कि आज 31st को लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सभी थानों पर होटलों और ढाबा संचालकों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी को टाइम लिमिट का अल्टीमेट दिया गया है। साउंड और DJ की आवाज को 45 से 50 डिसिबल तक नियंत्रण रखने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही अगर कोई सड़कों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाते हुए या शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए नजर आए तो पुलिस उन पर भी सख्ती से कार्रवाई करेगी। टाइम लिमिट तो ये है कि अब जैसे 11 से 12 के बीच में इनको लास्ट टाइम दे रखा है, जो कार्यक्रम इनके चलेंगे उसमें, और जो इनके DJ वाले मतलब DJ और जो भी साउंड वगैरह रखेंगे तो अलग से इनके लिए पहले से वो निर्धारित है कि 2 बॉक्स रखेंगे और उसका जो है ना 45 से 50 डेसीबल जो लिमिटेशन है उसके अंदर रखेंगे। उसके यदि उसके ऊपर जाएंगे तो उस पर कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई होगी उस पर। सर, इसी प्रकार शहर में जो उड़दंग करते हैं, बालक शराब पी करके वाहन चलाते हैं, उसके लिए तो कार्रवाई उसके लिए कार्रवाई की जा रही है। उसके लिए पूरी तरह से निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि इस प्रकार की हुड़दंगबाजी होगी, हुटिंग होगी, तो उस पर इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। सर, शहर के किन किन चौराहों पर जो है चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं जिनसे माउथ एनालाइजर द्वारा चेकिंग की जानी है? नहीं, अभी हम शाम को अलग पॉइंट निर्धारित करेंगे, जबकि मेन जो पॉइंट है जैसे ये फब्बारा चौक है और CRPT चौराहा है, और फिर यहाँ आगे अलग जो मेन चौराहे हैं सब में मतलब इस प्रकार की चेकिंग लगाई जाएगी। नीमच से मुश्ताक अली शाह के साथ आसिफ अली की यह रिपोर्ट।